हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने एमपीबी करप्शन एंड ओवर बिलिंग के ऊपर बनाई है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है वो मीटर रीडर्स की वजह से होती है, क्योंकि मीटर रीडर जो रहते हैं ठीक तरीके से रीडिंग नहीं लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एमपीबी ने अभी कुछ लगभग साल दो साल के पहले एक सिस्टम दिया था मीटर रीडर्स को, मतलब एक फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जो कि आपके मीटर की फ़ोटो लेते हैं, जो कि फ़ोटो एप्लीकेशन के थ्रू एमपीबी के सर्वर पर जाती है और वहाँ जो है रीडिंग की मतलब कैप्चर करके, मतलब एक वो प्रूफ भी रहता है कि हाँ ये बंदा जो है रीडिंग लेने के लिए आपके घर पर आया था और उसने स्क्रीनशॉट, मतलब उसकी जो फ़ोन था स्मार्टफोन जिसमें वो एप्लीकेशन इंस्टॉल थी एमपीबी की, उस पर हैंड टू हैंड वो फ़ोटो जो है कैप्चर होकर के एमपीबी के सर्वर पर जाती है। तो वो एक एक प्रूफ भी है, वो देखा जाए तो एक सही चीज़ है। पर लेकिन होता ये है कि मीटर रीडर बहुत से जो रहते हैं वो लेते हैं आपके जो भी बिल आते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, जो बिल आते हैं उसके ऊपर कभी ऐसा होता है लेफ्ट हैंड साइड पे बीच में जहाँ पर जोन के AEO JEE का नंबर रहता है उसके ठीक नीचे इसकी फ़ोटो होती है, जो भी आपकी फ़ोटो वो अपने स्मार्टफोन से लेते हैं एमपीबी की एप्लीकेशन की, तो उसकी एक कॉपी उसके अंदर, मतलब एक छोटी सी, क्योंकि अब कभी किसी को ब्लैक एंड वाइट भी आता है बिल का प्रिंट, कभी किसी को कलर भी आता है, तो वो उस हिसाब से वहाँ पे प्रिंट दिखता है, बाकी वो ओरिजिनल कैप्चर दिखता है जो कि मोबाइल से उन्होंने प्रिंट लिया हुआ होता है। तो अगर सपोज़ आपके बिल में वो भी नहीं आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो अंदाजे से डाली हुई है, मतलब अंकल ही तो उसकी मर्ज़ी से हो। अधिकतर जब भी कोई मीटर रीडर अगर मर्जी से अपने मन से कुछ डालता है तो हमेशा उसमें जो है मीटर की जो रीडिंग होती है वो राउंड फिगर में आती है, कभी 50 आएगी, कभी 100 आएगी, 150 आएगी, 200 आएगी, या कभी कभी तो ये ऐसी गलती करते हैं कि दो दो तीन तीन महीने तक रीडिंग लेने आते नहीं हैं और 100, 100, 100, 150, 150, 50, 50। मैं अभी आपको ऐसे बहुत सारे सैंपल्स अभी दिखाऊंगा कि आप खुद कैसे पकड़ सकते हैं कि मीटर रीडर जो है आपके यहाँ सही रीडिंग नहीं ले रहा है। उसके लिए अभी आपको स्क्रीन पर मैं एक एक करके टोटल 4 से 5 सैंपल बिल दिखाऊंगा, उसमें आपको दिखेगा कि ये किस तरह से जब भी जिस भी महीने ये रीडिंग नहीं लेते हैं, मोस्टली ये कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये 4 महीने, 5 महीने, 6-6 महीने तक जो है रीडिंग नहीं लेते हैं। और आप देखिएगा कि कभी आपको एक के बाद एक सलंग 3 महीने के अंदर 100, 100, 100 रीडिंग आती है, 150, 150 ऐसी रीडिंग आती है, ये अंदाजे से दे देते हो तो ये आप ऐसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के घर में कभी भी नहीं होता है कि आपके 100 रीडिंग जली उसके बाद आप लाइट यूज़ करना बंद कर देते हैं, या सपोज़ 22 या 25 दिन हुए आपके यहाँ 150 रीडिंग हो गई और आपने यूज़ करना बंद कर दी कि हम राउंड फिगर में 150 ही जलाते हैं या ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जितने भी राउंड फिगर्स की जो रीडिंग्स आती है ये सब अंकलित होती है और ये कुछ सिस्टम जनरेटेड नहीं होती है। सिस्टम को थोड़ी पता है कि आपके मीटर में कितनी रीडिंग है, ये सब मीटर रीडर्स का फॉल्ट होता है। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल जागरूक रहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो मीटर रीडर होता है उसका चार्ज एमपीबी आपको बिल में लगाती है, 10 रुपये मीटर वॉच एंड रीडिंग का शुल्क लगाता है। मैं आपको बिल बताता हूँ इसके लिए। इसमें देखिएगा आप, सबसे ऊपर ही मीटर वॉच एंड रीडिंग शुल्क लगा होता है, 10 रुपये होता है ये एक महीने का, तो टोटल आपके 12 महीने के हो गए 120 रुपये। तो ये जो 120 रुपये का आप चार्ज दे रहे हैं ये रीडिंग लेने का दे रहे हैं। तो आप जो मैंने अभी आपको मीटर रीडिंग का चार्ट दिखाया है, मैंने चार्ट जो डिज़ाइन इसीलिए किया है ये कि इसमें मैंने 12 महीने के पूरे ब्लॉक बनाए हैं और इसके अंदर 5 कॉलम हैं। पहला कॉलम है पिछले महीने की रीडिंग, उसके बाद दूसरा कॉलम है अगले महीने की रीडिंग, उसके बाद तीसरा कॉलम है वाचन तिथि, मतलब वो जिस तारीख को वो मीटर रीडर आपकी रीडिंग लेने आया है, उसके बाद चौथा जो कॉलम है वो मीटर रीडर के नाम के लिए है और पाँचवा मीटर रीडर के साइन के लिए, जिससे कि आपको पता रहे कि मीटर रीडर आपके पास कब आता है। इस चार्ट को लगाना आपके लिए ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर मीटर रीडर को ये मालूम रहेगा कि ये उपभोक्ता जो है ये जागरूक है और ये हर महीने अपने रीडिंग का हिसाब रखते हैं तो वो भूल कर भी आपके साथ कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि वो आपके यहाँ पर रीडिंग समय पर ना लें। और इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि समय पर अगर आपकी रीडिंग नहीं ली जाती है और वो बिल में अगर प्रॉपर नहीं आती, जितनी भी आपने कंज्यूम करी है अगर वो रीडिंग की एंट्री उसके अंदर नहीं होती है
तो उसमें आपको अगर वो इकट्ठी होकर के नेक्स्ट मंथ आएगी तो आपको ज़्यादा बिल पे करना पड़ेगा। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर किसी महीने आपको ज़ीरो रीडिंग का बिल आए, मतलब जिस महीने आपकी कोई रीडिंग ज़ीरो आई है, उस महीने आपको 100, 150, 200 या 300 रुपये का बिल आएगा। अब उसमें होता यह है कि जो MPP के सरचार्ज, जो जो फिक्स रेंटल जो होते हैं, वो लगभग 200, 250, 300 के समथिंग होते हैं हर महीने। भले आपकी रीडिंग ही नहीं आ रही हो तो भी जो है इतना आपको राशि का बिल तो आएगा ही। तो अगर ऐसा आपको कभी होता है कि ज़ीरो रीडिंग आया, 200, 250, तो आप बिल्कुल खुश मत होइए, क्योंकि होगा ये कि जो आपकी ये जो आपने 200, 250, 300 जो का जो बिल आया है, ये आपका टोटली वेस्ट है। इसका कोई ये अमाउंट कहीं भी आपका जो है आगे नहीं होना है, क्योंकि ये इतना तो फिक्स रेंटल है ही होगा। और अगले महीने आपके साथ ये दिक्कत होना है कि पिछले महीने की रीडिंग और इस महीने की रीडिंग मिल करके वो आपकी 300, 400, 350 जो भी रीडिंग आपकी होगी, ज़्यादा होगी हर महीने से, डबल 2 महीने की आपकी 1 महीने में जो है कंबाइन हो जाएगी। उससे प्रॉब्लम ये होगी, क्योंकि MPB का जो टैरिफ होता है वो 0 से 50 तक में, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 5.5 रुपये का रेट लगता है तो 50 से 100 में वो कुछ 25-30 पैसे उसके ऊपर बढ़ जाता है। ऐसे 100, 150, 200 तक जाता है तो कुछ 1 रुपये तक वो बढ़ जाता है, मतलब लगभग 6, 6.25 तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे ये आपकी रीडिंग बढ़ती जाती है उस हिसाब से चार्ज भी बढ़ते जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो अगले महीने का बिल आएगा उसमें आपको एक तो रेट भी ज़्यादा लगेगा, उससे जो नॉर्मली आपका महीने का 1000-1200 का बिल आता है वो आपको 3000 का हो जाएगा, प्लस जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपको, तो उससे आपको लगभग वो 4000 के समथिंग आ सकता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली किसी भी घर में 100-150 रीडिंग कंज्यूम होती है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, मैं और अभी YouTube पर मेरी जो भी वीडियो आती हैं, तो मैं किसी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ। मैं सबको यही कहता हूँ कि प्लीज़ शेयर फॉर सपोर्ट। अगर आपको लगता है कि मेरी बनाई हुई वीडियो से कुछ आपको फ़ायदा हुआ या किसी और को फ़ायदा हुआ, या इन फ्यूचर आपको कभी उस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है, या किसी को ऐसा लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ उसके बाद आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं पहले कभी किसी को नहीं बोलूँगा। मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग।